अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर सकती हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। ख़ते शिकस्ता की छठी क्लास के लिए आप सबको खुश आमदीद। अब आज हम जीम बनाएंगे। जीम बनाने के लिए मैंने जो हमने पैटर्न तैयार किया हुआ था उसमें से सेकंड लाइन पे ऑलमोस्ट 45 डिग्री का एक कत लगाया था, ठीक है। अब उस कत के आगे मज़ीद दो कत का फासला छोड़ के मैंने ये चांद नुमा जीम बनाया है, जिसका स्टार्ट मैंने उस 45 डिग्री के एंगल से जो कि पहले लगाया हुआ था उससे भी थोड़ा सा टिल्ट करके स्टार्ट लिया है। यानी 45 डिग्री पहले था तो अब तकरीबन 40 to 35 डिग्री से मैं स्टार्ट लूँगी और उसको घुमाते हुए कर्व करते हुए नीचे लेके आई हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद ये चांद नुमा सी, इंग्लिश के हर्फ सी जैसा मैंने बनाया और नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए मैंने क्या किया है, जो सेकंड लास्ट लाइन थी जिसको कुर्सी की लाइन कहते हैं जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, उस लाइन तक लेके आई हूँ। और ख़ते शिकस्ता में नून में भी यही स्ट्रोक इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ऊपर से मैंने इसको कलम की नोक से मिलाया है। अच्छा, जब आपने ये चांद बनाना शुरू करना है तो हमने क्या किया था, जो दूसरी लाइन थी उसमें एक कत लगाया था और उसके दरमियान दो कत के फासले से फिर से मैंने एक और शुरू किया था स्ट्रोक बनाना चांद टाइप का। लेकिन ये जो स्ट्रोक आपने चांद की तरह का बनाना है ये हमारे पहले वाले कत से तकरीबन आधा कत छोड़ के नीचे की तरफ बनेगा। यानी अगर पहला कत आपने सेकंड लाइन के ऊपर से बनाया तो दूसरा कत सेकंड लाइन के सेकंड लाइन दूसरे कत के दरमियान में आएगी और फिर हम कलम की नोक से ही इसको मैच करेंगे और कंप्लीट करेंगे अपने जीम के ऊपर के सिरे को। दरमियान में नुक्ता मुदव्वरा बनाएंगे और दोनों साइडों से तकरीबन डेढ़ डेढ़ कत का फासला होगा, ठीक है। ये देखें, ऑलमोस्ट डेढ़ कत का फासला है और नुक्ते के नीचे की जानिब से भी तकरीबन डेढ़ कत का ही फासला रहेगा। ऊपर की जानिब से डेढ़ से दो कत का फासला, क्योंकि मैंने नुक्ता जो था ना वो थर्ड लाइन के ऊपर रख के बनाया था। और हाँ जी, ये जीम के सिरे के साइड से जीम के चांद का फासला जो है वो भी एक कत का। इनके बाकायदा नाम है जीम के हिस्सों के, इनको मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनके नाम भी इंशाल्लाह बताऊंगी। अब ये देखें, ये लाइन मैंने क्यों लगाई, जीम के चांद की जो कमर है, पिछला हिस्सा है, वो तकरीबन जो है उसके सर से थोड़ा ज़्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ है, जबकि नस्तालीक में जितना जीम का सिरा या ऊपर का हिस्सा होता है उतना ही जीम की गोलाई का जो है एंगल वो होता है। लेकिन इसमें शिकस्ता में जीम की जो गोलाई है वो बाहर की तरफ थोड़ा सा निकली हुई होती है, तकरीबन आधा कत। अब यहाँ से अगर फासला मैयर करें तो ये तीन कत के बराबर होगा। और जिम की शक्ल फाइनली कुछ इस तरह की बनेगी।